issues at all? Yes, good morning, students. Good morning to all of you. Today, we are on day 13. The topic is bills of exchange. मिक्स क्वेश्चंस करने हैं बेटा हमें और जिसमें सबसे पहले जो डिमांड आई है दैट इज क्वेश्चन नंबर 29 फ्रॉम डीके गोयल राइट बेटा तो मैं क्वेश्चन की पिक तो नहीं प्रेजेंट कर पाऊंगा बट मैं क्वेश्चन पूरा एक्सप्लेन जरूर करूंगा विद डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देखिए यहां कहा है ए ने बी को गुड्स बेचा तो ए कौन बन जाएगा ड्रॉवर और बी कौन बन जाएगा ड्रॉई और नेम्स में कंफ्यूज मत होना ऐसा भी आ सकता है पेपर में कि बी ने ए को गुड्स बेचा तो बी ड्रॉवर बन जाएगा और ए क्या बन जाएगा ड्रॉई सो डोंट गेट कंफ्यूज इन ड्रॉवर एंड ड्रॉई जो बेचने वाला है वो कौन होता है ड्रॉवर और जो परचेज करने वाला है वो क्या बन जाता है बाद में ड्रॉई इसमें कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए राइट आगे देखिए क्या लिखा है गुड्स बेचा है डेट एंड ऑल सब चेक करते हैं बेटा जल्दी से ये लीजिए गुड्स बेचा है 60,000 रुपीज का प्लस आईजीएसटी लगाया है 18% कितना होगा 18% 60,000 का 18% बताओ जल्दी से यस 18 6 18 6 108 एम आई राइट 10,800 करेक्ट है क्या बच्चों चेक कर लीजिए करेक्ट है तो फाइनल बिल बनेगा 70,800 आई एम श्योर द अमाउंट इज करेक्ट राइट थैंक यू सो मच बेटा आगे देखिए लिखा है इमीडिएटली और ये गुड्स कब बेचा है डेट नहीं दिख रही कोई बात नहीं ये तो और भी अच्छी बात है यानी ये ए के लिए बन जाएगा बी आर और बी के लिए बन जाएगा बी पी इट्स ओके राइट आगे चलते हैं बेटा ए ने क्या बी ने एक्सेप्ट किया ऑफकोर्स एक्सेप्ट तो करेगा ही फिर ए ने इस बिल को क्या किया बच्चो सर ए ने इस बिल को एंडोर्स कर दिया आगे लिखा है सी को राइट बच्चों ठीक है और आगे लिखा है सी ने क्या किया वाओ सी ने इस बिल को फिर से एंडोर्स कर दिया किसको इन फेवर ऑफ डी सर ऐसा हो सकता है बिल्कुल हो सकता है नो इश्यूज एट ऑल बिल्कुल हो सकता है बच्चों कोई बिग डील नहीं है राइट आगे देखिए क्या हुआ है बी गया बैंक के पास और डी ने बैंक से इस बिल को क्या करा लिया discounted it means this is a mutual deal between d and bank bank d ko janta hai baat khatam koi tension nahi hai right beta bank baat kar raha hai kisse bank baat kar raha hai d se aur d bank ko keh raha hai ki aapko due date par kiske paas jana hai bachcho bataiye Droy के पास Droy Droy and the Droy name is B wow कितना शानदार क्वेश्चन पिक किया भाई मुरली छा गए तुम तो बेटा राइट आगे देखिए क्या लिखा है बिल वाज नहीं नहीं आगे लिखा है बी ने डिस्काउंटेड करा लिया बिल 68,000 में यानी कि कौन बता रहा है मुझे इस क्वेश्चन में डिस्काउंटिंग चार्जेस कितना होगा एकदम करेक्ट सर देखिए बिल कितने रुपीस का है हमें दिख रहा है द अमाउंट ऑफ बिल इज 70,800 और बैंक ने इसके बदले हमें पैसा दिया 68,000 सो डिस्काउंटिंग चार्जेस विल बी सर ओवरऑल बिल का अमाउंट था 70,800 इसमें से हमें बैंक ने पैसा दिया 68,000 रुपीस तो हमें कितना पैसा जो चार्जेस का लगा वो लगा 2800 तो जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन की क्लास डजंट मैटर मैं एक मिनट में शॉर्ट रिव्यू दे रहा हूं आपको बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बेटा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है डर गया मुरली थोड़ा सा कोई बात नहीं मुरली या थोड़ा टेंस में हो गया आप में भी देखिए ए ने बी को गुड्स बेचा और उसके ऊपर क्या ड्रॉ किया बच्चों बिल ड्रॉ किया फिर ए ने इस बिल को एंडोर्स किया इन फेवर ऑफ सी सी ने इस बिल को फिर से एंडोर्स किया इन फेवर ऑफ डी और डी ने क्या किया डी ने इस बिल को कैश में कन्वर्टेड करा लिया एंड बैंक हैज गिवन 68,000 रुपीस टू डी राइट अब अगर सिस्टम सही चलता है कोई गद्दार नहीं निकलता तो कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगा इट मींस देखिए बी को पैसा देना है ए को पैसा देना था सी को पैसा देना था डी को और डी ने कहा मुझे तो अभी के अभी चाहिए तो डी कहां गया सर डी गया बैंक के पास
ऑडी ने इस बिल को तुरंत कैश में कन्वर्ट करा लिया। ऑफिशियल अमाउंट जो बिल से मिलना था दैट इज 70,800, बट हमने आपको इजी कर दिया क्वेश्चन में कि बैंक ने हमें कितना अमाउंट दिया, 68,000 rupees। इट मींस बैंक हैज डिडक्टेड 2,800 एज डिस्काउंटिंग चार्जेस। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या बेसिक क्या मतलब होने वाला है, ये बहुत ही एक सरप्राइजिंग रहेगा। हमें पता है क्या होने वाला है, डिसऑनर। देखिए आगे लिखा है बच्चों क्वेश्चन में, ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी। अच्छा अच्छी बात ये, देखिए हम आपका दिमाग चेक करना चाह रहे हैं यहाँ पे, हमने आपको डेट में परेशान नहीं किया, हमने आपको डेट दी ही नहीं है तो आपको भी डेट नहीं लिखनी, राइट। आगे लिखा है मैच्योरिटी डेट पर बिल डिसऑनर हो गया और बैंक की जेब से बिल डिसऑनर हो गया। बच्चों बीआर क्या हो गया बच्चों, ड्यू डेट पर डिसऑनर हो गया, राइट। और बैंक की जेब से नोटिंग चार्जेस लग गए 200 rupees। बैंक ये पैसा किससे मांगेगा, क्या आप में से कोई बता सकता है मुझे, बैंक ये पैसा किससे, डी से, डी, परफेक्ट परफेक्ट। डी ये पैसा किससे मांगेगा बताइए बच्चे, डी मांगेगा सी से, डी सी से मांगेगा, और सी किससे मांगेगा, सी ए से, ए से, और ए, और ए ये पैसा किससे मांगेगा बच्चों, डी से। कितनी शानदार चीज होगी ना, राइट, मतलब गद्दारी बड़ी खतरनाक साबित हुई यहाँ पे। और क्वेश्चन आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है सभी के बुक्स में एंट्री कीजिए, कोई टेंशन नहीं है सर, इट्स वेरी इजी। हम सबसे पहले किसकी बुक्स में एंट्री करेंगे, ए की बुक्स में। आइए जल्दी से चेक करते हैं बच्चों, डरने की बात नहीं है इस चैप्टर में, डरना तो है ही नहीं, बेसिक जनरल एंट्रीज ही तो है। ए कौन है सर, ड्रॉवर है। ए की बुक्स में पहली एंट्री कब होगी सर, जिस दिन भी गुड्स सोल्ड किया है तब होगी। बी अकाउंट डी आर या बी डी आर टू सेल्स अकाउंट, BDR to sales account, narration being goods sold। और बहुत छोटा क्वेश्चन आपको लग रहा है ये बड़ा है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा, ठीक है। मैंने एक मिस्टेक कर दिया, मैं उस मिस्टेक को सही करता हूं जल्दी से। टू सेल्स के साथ मुझे क्या लिखना होगा, टू आउटपुट IGST, गुड्स सोल्ड किया था 60,000 का, 10,800 क्या लगा IGST, और टोटल अमाउंट बन गया 70,800 rupees। नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड। फिर हमने क्या किया सर, हमने बिल ड्रॉ किया, क्या ड्रॉ किया बच्चों, बी के ऊपर बिल ड्रॉ किया। बीआर अकाउंट डीआर टू बीस अकाउंट, बीआर अकाउंट डीआर टू बीस अकाउंट, नरेशन बीइंग बिल ड्रॉन, बीइंग बिल ड्रॉन, बिल ड्रॉ कर दिया कितने रुपीज का, 70,800, 70,800। और फिर हमने, हम ए हैं अभी थोड़ी देर के लिए, हमने इस बिल को एंडोर्स कर दिया बच्चों। ये बीआर जो अभी हमारे पास आया था अब हमारे पास से जा रहा है, चेक इट आउट, बीआर बिल्स रिसीवेबल आया था अब जा रहा है, किसके पास जा रहा है सर, सी के पास, डेबिट द रिसीवर, राइट बच्चों, सही है बच्चों, ये बिल किसके पास जा रहा है, सी के पास, डेबिट द रिसीवर। Anybody, any doubt? Yes, Varun, any doubt, beta? इसका narration क्या होगा बच्चों? What will be the narration? Being bill endorsed. Being bill endorsed. हमने इस बिल को क्या कर दिया बच्चों? Endorse कर दिया। और वैसे तो हम free हो चुके थे, पता है? अब हमारी कोई responsibility बची ही नहीं थी, क्योंकि हमने अपना, हाँ बेटा बोलो बोलो बोलो। सर 70,800 होगा ना? हाँ गलतियां निकालो बेटा, कोई बात नहीं, गलतियां निकालो, एकदम परफेक्ट करेक्ट है बेटा, बिल्कुल सही है। ये बिल हमने एंडोर्स कर दिया, अब हम फ्री थे वैसे, लेकिन ड्यू डेट पर, ऑन ड्यू डेट बिल क्या हो गया, अनफॉर्चुनेटली सर बिल हो गया डिसऑनर। और हमारी बुक्स में सर देखिए अब हमारे डेटर्स भी इंक्रीज हो जाएंगे वापस से, और हमारे क्रेडिटर्स भी इंक्रीज हो जाएंगे। आप सोचिए अगर मैं आपको कहूं कि बेटा क्या मैं सी के पास ये वर्ड लिख सकता हूं, हमने जब सी को पेमेंट किया तो हम रूल क्या बनाते हैं, डेबिट द रिसीवर। हम ये भी तो कह सकते हैं हमारी लायबिलिटी रिड्यूस हो गई थी, जब सी से गुड्स परचेज किया था तब हमने क्या एंट्री की होगी, परचेज दिया टू सी, सी हमसे पैसे मांग रहा है, इंस्टेड ऑफ कैश हमने सी को क्या दिया, एक बिल दे दिया, और सी को कहा भाई तेरी मेरी कहानी खत्म, पुराना चैप्टर क्लोज। लेकिन सी का फोन आया ड्यू डेट पर कि तेरी मेरी कहानी खत्म नहीं हुई है, इस चोरी खत्म नहीं हुई है बच्चों, अब हमारे डेटर्स भी वापस इंक्रीज हो जाएंगे हमारे। देखिए आप, देखिए डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, देखिए ड्यू डेट पर ए की बुक्स में
क्या एंट्री होनी चाहिए थी? वैसे कुछ भी नहीं होनी चाहिए थी अगर पैसा मिल जाता तो, लेकिन पैसा नहीं मिला। अब ड्यू डेट पर ए किससे पैसा मांगेगा? सर ए मांगेगा बी से, और ए को पैसा देना किसको होगा? वापस से सी से, सी को। यानी डेटर्स भी इंक्रीज हो जाएंगे और क्रेडिटर्स भी इंक्रीज हो जाएंगे बच्चों। बी डी आर टू सी विद नोटिंग चार्जेस, बी डी आर टू सी along with noting charges, bill dishonored plus noting charges। अब हमें C को कितना पैसा देना पड़ेगा? 71,000 rupees, क्योंकि 70,800 तो देना ही था बच्चों, 200 noting charges का और लग गया। और हम C को कह रहे तू घबरा मत, ये सेम पैसा अब हम B से मांगेंगे, ये सेम पैसा हम किससे मांगेंगे? बी से। और खत्म हो गया, एक ही बुक्स में फर्दर क्या हुआ कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, स्टोरी खत्म। मुरली ठीक है, स्टोरी खत्म हो गई बेटा, एक ही बुक्स में स्टोरी खत्म। अब जर्नल एंट्रीज किसकी बुक्स में करनी होगी हमें? ए ने बिल किसको दिया था? ये सी। तो अब हम नेक्स्ट कर सकते हैं सी की बुक्स में। सी को क्या मान सकते हैं? ए का एंडोर्स ही मान सकते हैं। सी को सबसे पहले क्या मिला बच्चों? सर हम सी है, सर अब हम थोड़ी देर के लिए सी है सर, हमें पैसा नहीं मिला, हमें बिल मिला है सर। हमें क्या मिला है बच्चों? बिल मिला है, ले लो बिल, ये लीजिए। बी आर अकाउंट डी आर टू ए, वेरी गुड बेटा। बीन बी आर रिसीव, इसने थोड़ी ना अभी कुछ गुड्स बेचा है, हमने कोई सी है भाई हम थोड़ी देर के लिए, हमने किसी को कोई गुड्स नहीं बेचा। अभी हमें सबसे पहले क्या मिला है सर? हमें बी आर मिला है सर। बी आर कितने रुपीस का मिला? 70,800। और हमें इंस्ट्रक्शन भी मिला, पता है क्या इंस्ट्रक्शन मिला बच्चों? ये केवल आपको एक्सप्लेनेशन के लिए बता रहा हूं। हमें इंस्ट्रक्शन मिला, ध्यान से सुनना, हमें इंस्ट्रक्शन मिला कि ऑन ड्यू डेट वी हैव टू प्रेजेंट दिस बिल, ऑन ड्यू डेट वी हैव टू प्रेजेंट दिस बिल टू द ड्रॉई। और ड्रॉई कौन है बच्चों? ड्रॉई है बी। बट हमने क्या किया? बट हमने इस बिल को क्या कर दिया बच्चों? एंडोर्स कर दिया। बट वी endorsed this bill to D. And ये केवल समझाने वाली बात, लिख के बता रहा हूं, बाद में भी घर पे फाइल पढ़ना चाहे तो आपका काम बन जाएगा। And unfortunately on due date the bill declared dishonored. The bill was declared insolvent. Bill case क्या declare हो गया बच्चों? Insolvent declare हो गया। कहानी खत्म। अब देखिए, अब इसको समझिए। हमने पहली एंट्री क्या की? सर हमें बिल मिला। हाँ बेटा। Discounted भी कराया था। डी ने कराया। हमने तो नहीं कराया ना भाई। हमने तो बिल endorse करके हम फ्री हो गए। पहली एंट्री बिल रिसीव हुआ। दूसरी एंट्री सोचिए हमारी बुक्स में क्या होनी चाहिए, सेकंड एंट्री, ये लीजिए। सर हमने इस बिल को डी को एंडोर्स कर दिया। डेबिट द रिसीवर, डी आर टू बी आर, मतलब पहले इंसान ए ने भी एंडोर्स किया सी को, और सी ने एंडोर्स किया डी को। वाओ, डबल एंडोर्स, गेम चल रहा है। क्या करें बेटा, फंसाने की कोशिश की जा रही है आपको और आप फंस रहे हो। क्यों फंस रहे हो? एंजॉय करो सर। 70,800 का बिल था जिसे ए ने सी को एंडोर्स किया और सी ने डी को एंडोर्स किया। यानी सी को डी को पैसे देने थे और सी ने पैसे ना दे के डी को क्या दे दिया? एक बिल दे दिया और फ्री। लेकिन सच में फ्री नहीं हुआ, क्योंकि अब हम क्या लिखेंगे सर? अब ड्यू डेट पर बिल डिसऑनर हो गया सर, बिल डिसऑनर हो गया। अब आपको डायग्राम दिखाता हूं मैं, पहले आप डायग्राम देखिए। सी की बुक्स में ड्यू डेट पर जो एंट्री होगी वो शानदार एंट्री होगी। सी को पैसा किसको देना होगा? फिर से डी को। और सी पैसा मांगेगा किससे? ए से पैसा मांगेगा। अपने दिमाग में सी रख के देखो, आप सी हो और ड्यू डेट पर पैसा नहीं मिला डी को,
ठीक है, आपकी लायबिलिटी फिर से क्रिएट होगी, आपको डी को पैसा देना होगा और आप ये पैसा मांगोगे किससे? अब सर ए से मांगेंगे, डेटर्स डी आर टू क्रेडिटर्स, द एंट्री विल बी डेटर्स डी आर टू क्रेडिटर्स। जुगाड़ू है, हार्ड नहीं है, ट्रिकी कह सकते हो आप इसको, हार्ड नहीं कह सकते। ए डी आर टू डी, राइट बेटा? ठीक है, देखिए ड्यू डेट पर क्या एंट्री हुई, ए डी आर टू डी, और नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग बी आर डिसऑनर। बिल क्या हो गया बच्चों, डिसऑनर हो गया, राइट? और अब कितने रुपीस से एंट्री होगी अलोंग विद नोटिंग चार्जेस, 71,000 फिनिश। सी की बुक्स में भी फिनिश। आपको एक बार वापस से तो देखना पड़ेगा ये क्वेश्चन बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, वापस से घर पे चेक करना। नेक्स्ट देखिए, जर्नल इन द बुक्स ऑफ, सी तो हो गया, अब बारी थी डी की, अब बारी थी डी। डी भी क्या कह सकते हो, एंडोर्सी कह सकते हो, एंडोर्सी ऑफ सी, एंडोर्सी ऑफ सी। समझना अपने दिमाग में कि हम डी है, हमें सबसे पहले एक बिल मिला, बी आर अकाउंट डी आर, किससे मिला सर? डी को ये बिल मिला है सी से, बी आर रिसीव्ड, बी आर रिसीव्ड, और हमने इस बिल को तुरंत बैंक से क्या करवा लिया, वी आर दी पर्सन, वी आर दी वन हु हैज डिस्काउंटेड दिस बिल फ्रॉम विद दी बैंक। हमने इस बिल को बैंक से डिस्काउंटेड करा लिया, एंड वी हैव डन द एंट्री, बैंक डी आर, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डी आर, और टू में बी आर जा रहा है टू बी आर अकाउंट, यानी कि मेन जो पर्सन है जिसने पैसा लिया वो है डी, राइट? क्या लिखेंगे, बीइंग बिल डिस्काउंटेड, बीइंग बिल डिस्काउंटेड, राइट? बिल था 70,800 और बैंक ने हमें, हम कौन है अभी थोड़ी देर के लिए, सर हम डी है सर, हम डी है सर, हमने इस बिल को कैश में कन्वर्ट करा लिया, हमें 68,000 मिले और 2,800 का हमारा चूना लग गया सर। अब हमने सोचा था ड्यू डेट पर हम टेंशन फ्री, हमें कुछ नहीं करना, बट ड्यू डेट पर ये बिल क्या हो गया बच्चों, सर ड्यू डेट पर ये बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, गॉट इट? क्या हो गया बच्चों, डिसऑनर, राइट? और बैंक ने हमारे अकाउंट से पैसा काट लिया बच्चों। देखिए ऑन ड्यू डेट, आई एम राइटिंग हियर ऑन ड्यू डेट, एक अच्छी बात है, डेट गिवन नहीं है, क्योंकि हम केवल आपका दिमाग का आईक्यू लेवल चेक करना चाह रहे हैं, मेंटल एबिलिटी, हमने डेट को इसलिए इग्नोर कर दिया इस क्वेश्चन में। देखिए सर ये कंफर्म है, हमने बैंक से कॉन्ट्रैक्ट किया था, बैंक हमारे अकाउंट से पैसे माइनस करेगा, बैंक को 70,800 मिलना चाहिए था जो नहीं मिला, प्लस बैंक ने हमारे अकाउंट से 200 रुपए नोटिंग चार्जेस के भी काट लिए, बैंक ने हमारे अकाउंट से 71,000 डिडक्ट कर दिया, माइनस कर दिया। डी ये पैसा किससे मांगेगा, सी से मांगेगा, किससे मांगेगा बच्चों, सी। इंटरेस्टिंग है, अगर आप एंट्रीज क्लब करेंगे, मिक्स करेंगे, आप कहेंगे सर इजी है, हार्ड बिल्कुल नहीं है, बीइंग बिल डिसऑनर, खत्म, दो दो तीन तीन एंट्रीज हो रही है बेटा, टेंशन ही खत्म, ये लीजिए। अब द लास्ट वन एंड दैट इज बी, अब हमें किसकी बुक्स में एंट्री करनी है, ड्रॉई, वेरी गुड, ड्रॉई सीक्वेंस से चल रहे हैं, बी, और बी है ड्रॉई जिसे हमने गुड्स बेचा था। अब आपको अपने माइंड में फीलिंग लाना है दैट वी आर बी, हम ड्रॉई हैं, हमने गुड्स खरीदा था, तो सबसे पहले गुड्स खरीदने की एंट्री कॉन्सेंट्रेट कर लेना अच्छे से बेटा, परचेज किया था, एंट्री की परचेज अकाउंट डी आर, और इसके ऊपर इनपुट टैक्स पे किया, हमने एंट्री की इनपुट आई जी एस टी डी आर, और टू में हमने गुड्स खरीदा, किससे खरीदा, ए से खरीदा, गुड्स कितने का खरीदा था बच्चों, कितना अमाउंट था जरा चेक कीजिए, अमाउंट था 60,000 रुपीस का, राइट? अमाउंट वाज 60,000, उसके ऊपर टैक्स कितना हमने पे करना था 10,800, यानी हमें ए को पैसा देना था 70,800। बहुत इजी है, ध्यान से देखना, बीइंग गुड्स परचेज्ड, बीइंग गुड्स परचेज्ड, गुड्स परचेज किया और उसके बाद बिल एक्सेप्ट किया, बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री हमें बहुत अच्छे से आती है सर, ए डी आर टू बी पी, ए डी आर टू बी पी, नरेशन बीइंग बिल एक्सेप्टेड, बिल क्या कर लिया बच्चों, हमने एक्सेप्ट कर लिया, कितने रुपीस का, 70,800, और ड्यू डेट पर बिल क्या हो गया बच्चों, डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, ऑन ड्यू डेट। और अब इसकी बुक्स में जरा ध्यान से
क्योंकि यही वो विक्टिम है, यही वो इंसान है जिसने एक एक दो दो एंट्रीज हर एक की बुक्स में भरा दी, क्योंकि ड्यू डेट पर पेमेंट ही नहीं किया। बीपीडीआर नोटिंग चार्जेस केवल और केवल मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया किसकी बुक्स में आता है, ड्राई, बिकॉज ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस चार्ज। अगर ये पैसे दे देता बिल के तो एंट्री होती बीपीडीआर टू बैंक, कहानी खत्म। इसने पैसे नहीं दिए और लायबिलिटीज वापस से क्या हो गई बच्चों, इंक्रीज। अब बी को यानी कि हमें ए को कितना पैसा देना है, सर 70,800 तो बिल का देना है, 200 नोटिंग चार्जेस का, इट मींस टोटल अमाउंट बना 71,000, जिसका नरेशन लिखा जा सकता है बीइंग बिल डिसऑनर्ड, बीइंग बिल डिसऑनर्ड, खत्म, फिनिश, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। आई एम श्योर मुरली आप सेटिस्फाइड होंगे, और किसी के दिमाग में कुछ स्पेशल चल रहा है तो ठीक, नहीं तो मैं मिक्स क्वेश्चन ले। यस बताइए बेटा। ओके सर, थैंक यू सर। चलिए वेलकम बेटा, वेलकम। मैं एक रैंडमली क्वेश्चन पिक करना चाह रहा हूँ बेटा, चेक करते हैं जल्दी से, एक क्वेश्चन और पिक करते हैं, ठीक है, एक मिनट का मुझे टाइम दीजिए। 41 भी एक छोटा सा क्वेश्चन दिख रहा है, हम 41 भी देख सकते हैं। नहीं नहीं ये तो आपके कोर्स का है ही नहीं, एक मिनट रुकिए बच्चों प्लीज। फर्स्ट विल गॉट डिसऑनर्ड, अमित, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, प्लीज मुझे कोई बता सकता है आपने 40th नंबर क्वेश्चन किया तो नहीं है, कल को ऐसा नहीं हो कि कोई क्वेश्चन दो बार हो जाए। चेक कीजिए जल्दी से, चेक कीजिए ऑल ऑफ यू, चेक कीजिए। अभी भी मैं उम्मीद करता हूँ कुछ अच्छे बच्चे हैं जो बुक भी साथ में लेकर बैठे हैं बेटा। यस एनीवन हु कैन हेल्प मी आउट, यस दिव्यांग, 40th नंबर क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ ये बता दो बेटा बस। एनीवन एल्स, एनी एनीबॉडी, एनीबॉडी, नहीं हुआ ना, नहीं हुआ सर। चलो फिर जल्दी से क्वेश्चन नंबर 40th लेते हैं बेटा। अमर ने अकबर को गुड्स बेचा, क्या बात है, क्या बात है। अमर, अकबर, एंथनी पता नहीं आएगा नहीं आएगा, पुरानी मूवी थी एक बहुत अच्छी, ध्यान है क्या कौन कौन हीरो थे इसके अंदर, किसी को, अच्छी मूवी रही हुई है बेटा पुराने टाइम की। चलिए अमर ने 1st जनवरी 2017 को गुड्स बेचा अकबर को 60,000 रुपीस का, कितने रुपीस का गुड्स बेचा बच्चों, 60,000 रुपीस। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट आ रहा है। अकबर ने एक्सेप्ट किया, टू बिल्स एक्सेप्ट किए बच्चों, पहला बिल था 25,000 रुपीस का 2 months का, दूसरा बिल एक्सेप्ट किया बच्चों 35,000 रुपीस का 3 months का। कुछ बच्चे कहते हैं सर व्हाई टू बिल्स, अरे अगर हमें लग रहा है कि अकबर को लग रहा है कि मैं पूरे पैसे एक साथ नहीं दे सकता तो ये फैसिलिटी ले रहा है, वो कह रहा है देखो कल को तुम्हें बैड डेट्स अकाउंट बनाना पड़े, उससे बेहतर क्या है, दो बिल एक्सेप्ट कर रहा हूं मैं, बात खत्म, पहला बिल 2 months का है, दूसरा बिल 3 months का है। अब ऑफकोर्स जो सेलर है अमर वो कहेगा कोई बात नहीं चलेगा यार, तुम बस पैसे दे देना ईमानदारी से, सही है बच्चो पैसे दे देना। अकबर कह रहा है दे दूंगा, अभी कहने में क्या चाहता है, फर्स्ट बिल की ड्यू डेट बता सकता है क्या आप में से कोई बच्चा, फर्स्ट बिल की ड्यू डेट, यस मार्च 4th। अब अगर सेकंड बिल की निकालनी है तो कोई टेंशन नहीं है, सीधा सीधा 1 महीना मार्च 4th में एड ऑन कर दो, इट विल बी April 4th, डन। चले आगे, अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट आ रहा है। फर्स्ट बिल को हमने बैंक से क्या करवा लिया बच्चों, डिस्काउंटेड, और कब कराया, कब कराया बच्चों, 3rd of January यानी कि 2 दिन के बाद, ठीक है जी। और बैंक ने हमें कितना पैसा दे दिया, 24,900, क्या कोई बता सकता है कितना डिस्काउंटिंग चार्जेस काटा बैंक ने, यस बच्चों 100 रुपए, 100 रुपीस, कितना अच्छा बैंक है, हमें 24,900 दे दिया 100 रुपीस का नोटिंग चार्जेस,
अब सेकंड बिल का देखते हैं, ये मिस्टेक आप सब बच्चे करते हैं, आपको डायग्राम बनाना अच्छा नहीं लगता, अगर आप डायग्राम बना रहे हैं जल्दी जल्दी में प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके बाद आपको बार बार क्वेश्चन रीड आउट नहीं करना पड़ेगा, ये पूरा आप स्कैनिंग कर रहे हैं, फिर सीधा यही पढ़ना है, बार बार क्वेश्चन थोड़ी ना पढ़ना है बेटा, राइट। सेकंड बिल का हमने क्या किया, एंडोर्स कर दिया एंथनी को, यस सेकंड बिल वी हैव एंडोर्स टू एंथनी, आ गया भाई अमर अकबर एंथनी पूरा ही आ गया। हमने एंडोर्स कब किया, डेट भी बता रहे हैं बच्चों, 15th ऑफ जनवरी को किया, 15th ऑफ जनवरी, और आगे कुछ नहीं लिखा। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट आ रहा है बच्चों, फर्स्ट बिल वॉज मेट ऑन मैच्योरिटी, फर्स्ट बिल का पैसा मिल गया, थैंक यू वेरी मच, क्योंकि डिसऑनर का लफड़ाई खत्म। लेकिन आगे लिखा है सेकंड बिल डिसऑनर्ड हो गया बच्चों, एंथनी ने जब सेकंड बिल प्रेजेंट किया किसको, सर अकबर को, अकबर ने पैसे नहीं दिए और बिल क्या हो गया बच्चों, डिसऑनर हो गया। डिसऑनर हुआ तो एंथनी की जेब से नोटिंग चार्जेस लग गया, कितना रुपीस नोटिंग चार्जेस लगा, 200 रुपीस, कोई टेंशन नहीं है सर, इसमें भी कुछ हार्ड नहीं है, कर लेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अमर चार्ज रुपीस 300 एज इंटरेस्ट एंड ड्यू अनदर बिल फॉर द ड्यू अमाउंट, खत्म। मतलब देखिए एंथनी के साथ हमने क्या किया, इसके बारे में कुछ नहीं कह रखा बेटा, ध्यान से देखना, जब सेकंड बिल डिसऑनर हुआ तो अमर ने एंथनी के साथ क्या किया, इस बारे में कुछ नहीं कह रखा, तो हम भी चलाकर पैसे नहीं देंगे एंथनी को, राइट। लेकिन ये जरूर लिखा है कि अमर ने अकबर को फोन करके क्या बात की होगी, सोचिए कि भाई तूने सेकंड बिल के पैसे क्यों नहीं दिए, क्यों डिसऑनर कराया, और अकबर भी क्या कहेगा, मेरे पास पैसा नहीं था, बात खत्म, इसलिए मैंने नहीं दिया। अब फाइनली क्या डिक्लेयर हो रहा है, सेकंड बिल जब डिसऑनर हो गया तो एक नया बिल, आफ्टर डिसऑनर के बाद क्या किया ड्रॉवर ने, अमर ने 300 रुपीस इंटरेस्ट चार्ज किया किसके ऊपर, अकबर के ऊपर, और एक नया बिल ड्रॉ कर दिया 2 मंथ्स का, यानी कि इसको पुराने 300 रुपीस कैश नहीं मिला हमें, इसके अंदर ओल्ड बिल की अमाउंट को क्या कर देंगे प्लस, और न्यू बिल ड्रॉ किया जाएगा। न्यू बिल कितने टाइम का ड्रॉ किया है जरा देखते हैं बच्चों, टाइम न्यू बिल है 2 मंथ्स का। अच्छा एक बात बताओगे, सेकंड बिल की ड्यू डेट कौन बता रहा है वापस से, सेकंड बिल की ड्यू डेट क्या थी बच्चों, सेकंड बिल की ड्यू डेट जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, यस अप्रैल 4th, वेरी गुड, यानी कि अप्रैल 4th को सेकंड बिल क्या हो गया बच्चों, डिसऑनर्ड, और यहां से हमने एक नया बिल ड्रॉ किया, कितने टाइम का, 2 मंथ्स का। तो अब फाइनल ड्यू डेट क्या आएगी बताएगा कोई बच्चा, फाइनल जून, अप्रैल जून, जून 7th, बिल्कुल ठीक है जून 7th, और इस बार हमें पैसे मिल गए। अब नया बिल कितने रुपीस का होगा, ये आप में से कोई बताएगा क्या, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ न्यू बिल, चेक कर लो आराम से, सोच लो, यस टेक योर टाइम। नए बिल की ड्यू डेट मतलब फाइनल डेट, सॉरी आई एम आस्किंग द अमाउंट, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ न्यू बिल, यस आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू, 35,200 35,200 बता रहा है मुरली, क्या लगता है आप सभी को, सही है क्या मुरली, मुझे थोड़ा सा बिल्कुल नहीं पे नहीं किया, नहीं पे किया, अमर चार्ज, द वर्ड रिटन इज अमर ने चार्ज किया, कहां लिखा है कि he has to pay in cash, ऐसा कुछ नहीं लिखा, इट मींस नया बिल बनाया जाए, वेरी गुड 35,500 रुपीज। अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं हम स्पीडली, सबसे पहले अमर की बुक्स में जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अमर, और बहुत ईजी है बच्चों, कॉन्फिडेंटली क्वेश्चन करो, कोई टेंशन नहीं है, जर्नल इन द बुक्स ऑफ अमर, और आपको लग रहा है बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है ये डायग्रामेटिक में, तो आप डायरेक्ट एंट्रीज कर सकते हो, हम आपके मार्क्स नहीं काटेंगे, डोंट वरी। सबसे पहले सर गुड्स बेचा है 2017 January 1st, अमर ने गुड्स बेचा किसको, अकबर को, एंट्री चेक कीजिए, अकबर डीआर टू सेल्स अकाउंट, अकबर डीआर टू सेल्स अकाउंट, नरेशन क्या लिखेंगे बच्चों,
बी गुड्स सोल्ड, और गुड्स सोल्ड किया बच्चों कितने रुपीस का, 60 60, और फिर इसके ऊपर हमने क्या ड्रॉ किया, अकबर के ऊपर बिल ड्रॉ किया, और वो भी दो बिल ड्रॉ किए, बीआर नंबर वन अकाउंट डीआर, देन बीआर नंबर सेकंड अकाउंट डीआर, और टू में ये बिल हमने किसके ऊपर ड्रॉ किया बच्चों, अकबर के ऊपर, टू अकबर, टू अकबर, कितने रुपीस के दो बिल ड्रॉ किए सर, पहला बिल था 25,000 का, दूसरा बिल था 35,000 का, कहानी खत्म, बीइंग बिल ड्रॉन, बीइंग बिल ड्रॉन, फर्स्ट बिल, फर्स्ट बिल हमने दो तीन दिन बाद, फर्स्ट बिल चेक कीजिए, थर्ड ऑफ जनवरी को, थर्ड जनवरी को हमने अपना फर्स्ट बिल डिस्काउंटेड करा लिया बच्चों, डिस्काउंटेड राइट, ये लीजिए पैसे लेते हैं बिल नंबर फर्स्ट के, बैंक अकाउंट डीआर, डिस्काउंटिंग चार्जेस जीआर, टू बीआर नंबर फर्स्ट, और ये तो हमने नंबर वन डे ही पढ़ लिया था, आई थिंक नंबर वन डे या नंबर सेकंड डे, कि हम अपना बिल बैंक से क्या करवा सकते हैं बच्चों, डिस्काउंटेड करा सकते हैं, टू बीआर नंबर वन अकाउंट, फर्स्ट बिल 25,000 का चला गया, 100 रुपीज बैंक ने चार्जेस काटे, इट मींस हमें पैसा कितना मिला, 24,900, नरेशन क्या लिखेंगे बच्चों, बीइंग बिल डिस्काउंटेड, बीइंग बिल डिस्काउंटेड, बिल बैंक से क्या करवा लिया, डिस्काउंटेड, सेकंड बिल, सेकंड बिल हमने कुछ दिनों के बाद 15th ऑफ जनवरी को एंडोर्स कर दिया इन फेवर ऑफ एंथनी, और क्वेश्चन की अच्छी बात बताऊं क्या है बच्चों, हमें एंथनी को कितना पैसा देना था ये गिवन नहीं था क्वेश्चन में, तो ये अगेन क्वेश्चन इजी बन गया, क्योंकि बीआर सेकंड की अमाउंट कितनी दिख रही है, जल्दी बताओ बीआर सेकंड की अमाउंट कितनी दिख रही है, यस 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 35,000 रुपीज दिख रही है सर, इट मींस हम ऐसा मान रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में और कुछ गिवन नहीं है कि हमें एंथनी को 35,000 ही देना होगा, और हम उसको पैसे ना देकर क्या दे रहे हैं बच्चों, सर बिल दे रहे हैं अपना, सीधी सी बात राइट, टू बीआर नंबर सेकंड अकाउंट, टू बीआर नंबर सेकंड अकाउंट 35,000, 35,000, जिसे हम क्या बोलेंगे नरेशन, बीइंग सेकंड बिल एंडोर्स, फर्स्ट बिल हमने डिस्काउंटेड करा लिया, सेकंड बिल हमने एंडोर्स करा लिया राइट बच्चों, अब देखते हैं फर्स्ट बिल की ड्यू डेट पर क्या हुआ, फर्स्ट बिल की ड्यू डेट पर मार्च 4th को पैसा मिल गया, फर्स्ट बिल में कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन हमारी बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी, बताओ क्यों नहीं होगी बेटा, फर्स्ट बिल की ड्यू डेट पर कोई एंट्री क्यों नहीं होगी बताइए, यस हम अपनी बुक्स में कोई एंट्री नहीं करेंगे फर्स्ट बिल की ड्यू डेट पर, बताओ क्यों बच्चों, व्हाई व्हाई, यस सर हमने फर्स्ट बिल को डिस्काउंटेड करा लिया, तो हमारे पास पहले ही पैसा आ चुका है, बैंक अपने बुक्स में एंट्री करेगा, और आपसे हम कभी भी बैंक के बुक्स में एंट्री पूछते ही नहीं है, बात खत्म, फर्स्ट बिल का तो हिसाब हो गया, और सेकंड बिल इसमें भी हम टेंशन फ्री थे कि भाई हमने अपना बिल एंडोर्स कर दिया, अब हमें कोई लेना देना नहीं है, बट अनफॉर्चुनेटली अप्रैल 4th को सेकंड बिल डिसऑनर हो गया, एंडोर्स बिल डिसऑनर, पिछले क्वेश्चन में भी था, एंथनी पैसा मांगेगा हमसे और हम पैसा मांगेंगे अकबर से, अमर की बुक्स में एंट्री होगी अकबर डीआर टू एंथनी, अमाउंट ऑफ बिल प्लस नोटिंग चार्जेस, आप जरा सोचिए अमर किससे पैसा मांगेगा, अकबर से, क्योंकि अमर को वापस से पैसा किसको देना है, एंथनी को, क्यों देना है, क्योंकि एंथनी को पैसा मिला ही नहीं, गॉट इट बच्चों, आइए एंट्री करते हैं, नोटिंग चार्जेस को भी ऐड कर देना 35,200 से, अप्रैल 4th था ये, अप्रैल 4th, ये लीजिए अप्रैल 4th, मैं यहाँ पे एक नोट भी डाल देता हूं, मार्च 4th, ऑन ड्यू डेट ऑफ फर्स्ट बिल, ऑन ड्यू डेट ऑफ फर्स्ट बिल, ये आपको लिखना जरूरी नहीं है वैसे, ऑन ड्यू डेट ऑफ फर्स्ट बिल नो एंट्री, नो एंट्री एज बिल वॉज अर्लियर डिस्काउंटेड, बिल को हमने ऑलरेडी पहले से क्या करवा लिया था, डिस्काउंटेड करा लिया था बच्चों राइट, लेकिन सेकेंड बिल डिसऑनर हो गया, हम पैसे किससे मांगेंगे, अकबर से, अकबर डी आर टू एंथनी, अकबर डी आर टू एंथनी, और पैसे कितने, अमाउंट ऑफ बिल प्लस नोटिंग चार्जेस 35,200, 35,200 राइट, बिल डिसऑनर,
वैसे इसको बोलना चाहिए एंडोर्स बिल डिसऑनर. एंडोर्स बिल क्या हो गया बच्चों? डिसऑनर हो गया, राइट. अब हमने अपने एंडोर्सी के साथ क्या किया इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन अकबर से हमने 300 रुपीस इंटरेस्ट चार्ज किया और वो हमें कैश में नहीं दे रहा. अकबर डीआर टू इंटरेस्ट रिसीव. एक नया बिल ड्रॉ किया जाएगा, जल्दी से देखिए, क्लास इज अबाउट टू एंड. नया बिल और जिसके लिए इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा और इंटरेस्ट के पैसे या तो कैश में मिलते हैं या नहीं मिलते, और यहाँ पर कैश में नहीं मिल रहे. तो ड्यू डेट पर ही फिर से एक नया बिल ड्रॉ किया गया बच्चों, और उसकी एंट्री क्या हुई? बीआर अकाउंट डीआर टू अकबर. बीआर अकाउंट डीआर टू अकबर और नया बिल ड्रॉ किया गया 35,500. न्यू बिल ड्रॉन. अभी रिमेनिंग क्वेश्चन अगर क्लास ओवर हो जाती है तो प्लीज घर पे चेक करना बच्चों, इसको मैं तुरंत अभी अपलोड कर दूंगा, राइट. प्लीज घर पे इसी टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और अब जो फाइनल ड्यू डेट आएगी उस पे हमें पैसे मिल जाएंगे. बैंक अकाउंट डी आर टू बी आर फिनिश. ड्रॉवर की बुक्स में कर लिया, बाकी दोनों की बुक्स में करना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है बच्चों, बनता है ना. रिटर्न में प्रैक्टिस करें.